So once again I welcome you all on my YouTube channel. So मैं आप लोग के लिए पांच नए वर्ड्स लेके आया हूँ that is going to benefit you while speaking or in any particular while reading. So first word that I have chosen, that is infotainment. This word is made up of two different words. Info in the sense information, any particular information, ठीक है. एंटरटेनमेंट मतलब एंटरटेन, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा नॉलेज जिसमें हमको मज़ा भी आए और हम उससे इंफॉर्मेशन भी मिले, उसको बोलते हैं इंफोटेनमेंट, राइट. तो मैंने एक वर्ड बनाया उस पर, आई जस्ट वॉच KBC ओनली फॉर इंफोटेनमेंट. तो कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी जो होस्ट करते हैं, तो उसमें हमको एक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमारा GK अच्छा होता है, ठीक है. तो उसका मतलब ये होगा कि इंफोटेनमेंट है, सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है. वो टू वर्ड्स हैज बीन कंप्राइज्ड एंड मेड अ सिंगल वर्ड दैट इज इंफोटेनमेंट, राइट. सो आई गॉट यू, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. सेकेंड वन इज एक्स्ट्रावेजेंट. एक्स्ट्रावेजेंट भी बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट भी बोलते हैं, ओपनली एक्स्ट्रावेगेंट ही बोलते हैं. एक्स्ट्रावेगेंट मतलब ऐसा बंदा जो बहुत खर्चीला है, जो बहुत अमीर आदमी है, जो अच्छे अच्छे गाड़ियाँ चलाता है, अच्छे अच्छे लैपटॉप लेता है, घड़ी लेता है, कपड़े पहनता है, फैशन में रहता है, दैट इज़ एक्स्ट्रावेगेंट. तो एंड यू नो स्टार्ट जस्ट यूजिंग द वर्ड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वंस यू स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल इम्प्रूव, अदरवाइज देर इज नो वन हु इज यू नो मेक यू अंडरस्टैंड एंड हु इज यू नो convince you to speak. It's not simple. Unless and until you start speaking and start using the word in your daily parlance, you will not understand anything and you will not be able to speak. So for I suggest you all to whatever situation you are, just start speaking in English. That is the only way by which you will improve, right? तो extravagant मतलब होता है कि खर्चीला, जो हमने आपको समझाया मैंने. राम इज एक्स्ट्रावेगेंट. क्या है राम? राम एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बड़े फैशन करता है. ही हैज़ कार्स, वॉच, फ्लैट्स. उसके पास क्या है? कार है, घड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, फ्लैट्स हैं, एट्सेट्रा. ही इज सो एक्स्ट्रावेगेंट. एक दूसरे दोस्त को बोल रहा है उसके पास तो गाड़ियाँ हैं, कार हैं, सब कुछ है, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है भाई वो. ही गेव मी एन एक्स्ट्रावेगेंट गिफ्ट. बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट जो दिया उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रावेगेंट बोलेंगे. थर्ड वन इज सेपियंट, SAPIENT. सेपियंट मतलब बहुत बुद्धिमान, वाइज, क्लीवर, ठीक है, जो इंसान सिचुएशन को समझे, हर चीज़ को, मतलब तजुर्बेदार आदमी को बोलते हैं सेपियंट. तो मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, माय सेपियंट ब्रदर हैज़ हेल्प मी टू डील विथ अलॉट ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स. मेरा जो एक बुद्धिमान, मेरा जो सेपियंट ब्रदर है, बुद्धिमान है, वाइज है, उसने मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें उसने मुझे बहुत हेल्प किया है. सेकेंड वन इज व्हेन आई नीड सेपेंट एडवाइस अबाउट स्पिरिचुअलिटी आई गो टू माय एल्डर ब्रदर. मैं किसके पास जाता हूँ? अपने बड़े भाई के पास जाता हूँ जब भी मुझे किसी धर्म के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में, किसी गीता या कुरान या बाइबल के बारे में कुछ जानना होता है, तो मैं अपने बड़े भाई के पास जाता हूँ. क्यों? क्योंकि वो बहुत सेपियंट है, वो बहुत अच्छा सेपियंट एडवाइस देता है, मतलब बहुत तजुर्बेदार है, पढ़ा लिखा है, तो बहुत अच्छा एडवाइस देता है मुझे. तो क्या देता है? माय सेपियंट ब्रदर, माय सेपियंट कजिन, माय सेपियंट टीचर, ठीक है. ही इज़ वेरी सेपियंट बॉय, ही इज़ वेरी सेपियंट यू नो स्टूडेंट, ही इज़ वेरी सेपियंट टीचर, सेपियंट एडवाइस, ऐसा यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ वन इज एमिकेबल. एमिकेबल मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसा डिसीजन जो हर चीज़ को समझ बूझ के लेना पड़ता है, एमिकेबल डिसीजन, ठीक है. जैसे दो पार्टियाँ आपस में लड़ी हुई हैं तो उनको समझा बुझा के साथ में बैठ के कोई एक एग्रीमेंट पे आना, एनी कंक्लूजन पे आना, तो उसको बोलेंगे एमिकेबल कंक्लूजन, एमिकेबल एग्रीमेंट, ठीक है, एमिकेबल डिसीजन, वॉट एवर, मतलब इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यू कैन यूज दैट. तो एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, समझौता करना. तो डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज वॉज सेटल्ड थ्रू एन एमिकेबल एग्रीमेंट. मतलब एमिकेबल एग्रीमेंट के थ्रू दोनों पार्टियों के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो डिस्प्यूट थे, वो सॉल्व किए गए, ठीक है. तो एमिकेबल बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये यूज़ करना चाहिए. मैरिज वॉज कॉल्ड ऑफ थ्रू एन एमिकेबल डिसीजन. कुछ तो प्रॉब्लम था किसी की शादी में, तो शादी कैंसिल हो गई, दोनों पार्टियों आई बैठी, आपस में बातें किया, समझौता किया, एंड थ्रू द एमिकेबल डिसीजन दे कॉल्ड ऑफ द मैरिज, राइट. फिफ्थ वन इज फैमिश. फैमिश आई ऑफनली यूज दिस वर्ड, इज वेरी गुड वर्ड.
फैमिश मतलब बहुत ज़्यादा भूखा होना, जैसे कोई घर से वो थका हुआ बाहर के एकदम शाम को आता है घर पे, क्या बोलते हैं, मम्मी प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम वेरी फैमिश्ड टुडे, और आई एम फैमिश्ड टुडे। तो कोई आता है बोलता है घर पे, इस डिनर रेडी, क्या खाना तैयार है रात का, आई एम फैमिश्ड टुडे, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, क्या हूँ, बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। सो दिस वर द फाइव वर्ड्स दैट आई थिंक इज गोइंग टू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ एंड वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट। सो आई थिंक यू गॉट द फर्स्ट वन, लेट्स मी रिवाइज वंस अगेन, इन्फोटेनमेंट, एक्सट्रावेजेंट, सेपिएंट, एमिकेबल, एंड लास्ट वन इज फैमिश। थैंक यू सो मच।